हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे की ब्लॉग शुरू हो रही है किचन से। तो अभी मैं यहाँ पे गैस पे दूध रखी हूँ। तो ये है, यहाँ पे मैं दूध का मैं खोया बना रही हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली वो लोग बहुत पसंद करते हैं जब भी। तो आज मैंने सोचा कि चलो वो लोग घर पे हैं, तो मैं इन लोगों को बना के खिला देती हूँ और दूध भी एक्स्ट्रा है। तो ये बच्चों के लिए मैं खोया थोड़ा सा बना रही हूँ और उसके बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करूँगी। सो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पोहा। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का आज पोहा बनाते हैं। तो अभी मुझे पोहा बनानी है, तो उसके लिए मैं इतनी सारी सब्जियाँ ले ली हूँ और इसे मुझे भी चॉप करना है। और यहाँ मैं अनियन ले ली हूँ, इसे भी चॉप करना है। तो चलिए चॉपिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं पोहा। पोहा पोहा इट्स तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को धो ली हूँ, अच्छे से मैं वॉश कर ली हूँ और अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर है, धनिया पत्ती है, ये सारी सब्जियाँ हैं जिसकी मैं बनाऊँगी पोहा। तो यहाँ पे ये जो छेना है तो ये ऑलमोस्ट चल गया है, तो मैं इसमें जैगरी डाल दी हूँ यानी गुड़। और यहाँ पर मैं पोहा ले रही हूँ, तो इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अब पोहा बनाने के लिए मैं चूड़ा ले ली हूँ और इसे मैं अभी वॉश कर ले रही हूँ, और दो पानी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद फिर हमें बनानी है पोहा। तो यहाँ पे मेरी पूरी चॉपिंग हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रखती हूँ और इसमें मैं ऑयल डाल दे रही हूँ ताकि मुझे इसमें पीनट्स फ्राई करने हैं, मतलब मूंगफली के दाने। तो यहाँ मूंगफली के दाने मैं फ्राई कर ले रही हूँ और थोड़ा सा मैंने उसमें काजू डाल दिया था। और यहाँ दोनों फ्राई हो गया है, तो मैं उसी कढ़ाई में बिना प्याज वाली मैं पोहा बना ले रही हूँ। तो मैंने तड़के के लिए इसमें जीरा राई डाल दिया है, थोड़ी सी करी लिप्स और हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें जो सब्जियाँ कट करके रखी हूँ वो डाल दे रही हूँ। हरा शिमला मिर्च, गाजर है, टमाटर और फिर मैं उसी में नमक और हल्दी मैं सब्जी में डाल दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा हल्दी का। और उसके बाद फिर मैं इसमें पोहे डाल दे रही हूँ जो मैं वॉश करके रखी थी, और ऊपर से मूंगफली और काजू के दाने। तो यहाँ पे है बिना लहसुन प्याज वाली जो है पोहा हमारी रेडी हो गई है। फिर मैंने उसमें लेमन भी डाल दिया है और अभी मैं यहाँ पे प्याज वाली पोहा बना ले रही हूँ। तो मैंने तड़के में अगेन वही सब चीज़ डाला है, जीरा राई, करी लिप्स और थोड़ा सा हरा मिर्च, और फिर मैं जो प्याज कट करके रखी थी वो डाल दे रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ गाजर, और गाजर डालने के बाद मैं इसमें फिर हरा शिमला मिर्च डाल दूँगी। और इन सारी सब्जियों को हमें थोड़ी देर तक पका लेना है। तो इसमें मैं अभी डाल दूँगी नमक और हल्दी ताकि वो भी पक जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और फिर मैं साथ ही साथ इसमें हल्दी भी डाल दूँगी ताकि हल्दी का भी कच्चापन निकल जाए, सब्जियों के साथ पक जाए वो। तो यहाँ मैं हल्दी डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ ताकि थोड़ा सा चटपटा बने हमारा पोहा। और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए सब्जियाँ थोड़ी पक गई हैं। तो अभी मैं इसमें टमाटर भी डाल दी और फिर इसे हमें थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसमें जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और तो अभी यहाँ पे सब्जियाँ पक गई हैं, तो मैं पोहा डाल दे रही हूँ और फिर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फाइनल जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसमें लेमन का जूस और हरा धनिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है और अभी मैं लेमन का जूस डाल दे रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है, हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसमें मूँगफली के दाने डाल दे रही हूँ। पोहा हो गया है रेडी, टेस्टी और यम्मी पोहा। How is poha, Shivangi and Shreyansh? Tasty. Tasty. Yummy. You are not eating, Mama. You are only. Yes, here is my poha. और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो जितने भी सुबह वाले बर्तन थे वो सारे मैं धुल ले रही हूँ जो ब्रेकफास्ट के थे, और कुछ बर्तन रात के भी थे। तो अभी मैं इसे वॉश कर ले रही हूँ क्योंकि फिर लंच के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है, बर्तन वगैरह नहीं खाली रहता है और सिंक में पड़ा रहता है। तो क्योंकि उसके बाद फिर लंच वगैरह भी बनाना है और संडे है, तो संडे के दिन थोड़ी कुकिंग लंबी चौड़ी भी हो जाती है और पूरे तीन टाइम का कुकिंग करना रहता है। सुबह का तो ब्रेकफास्ट चलो हो गया, दोपहर का भी हो गया और फिर डिनर का भी रहता है, तो काफ़ी कुकिंग लंबा हो जाता है।
संडे और सैटरडे को स्पेशली, तो सैटरडे को मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ भी लाइट बना लूँ ताकि थोड़ा सा हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ पे बर्तन धोते धोते आप लोगों से मैं सारी बातें भी कर ली, मैं बर्तन मेरी धुल गई है, अभी मैं सिंक को क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने साइड में बर्तन रख दिया है तो इसमें से पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं उसके जगह पे रख दूंगी। आपको ये मेकअप सेट अच्छा लगती है? कैसी है ये मेकअप सेट? Very beautiful. बनाना कुकीज। हाँ, वो सब कुकीज है। मामा आप कौन है क्या? And this is pizza cutter. And this is mama. हम्म? This is. Swami? This is Josh. वो ऐसे pizza को ऐसे करने वाले। And keep your toys separate, okay? Shreyans, you keep your toy that side and Shivangi play that side and you play this side, okay? No, you play na beta. You put your own hair. You should try your sandal na beta. यहाँ पे किचन में लंच बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं दाल बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं सब्जी वगैरह कट करूंगी। तो संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि थोड़ी बहुत काम एक्स्ट्रा रहता है, क्लीनिंग वगैरह रहता है और आंटी भी आती है तो झाड़ू पोछा क्लीनिंग टॉयलेट बाथरूम सब का, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो कोई नहीं, चलिए जल्दी से लंच बना देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं मिक्स दाल ले रही हूँ और मिक्स दाल मैं बनाऊंगी। जैसा कि सुबह में हमारा बात हुआ था कि आज खाना ये बनाएंगे, मतलब डिनर नहीं लंच ये बनाएंगे, लेकिन आज इतना लेट हुआ कि अभी आए वहां से किचन में जबकि हमारी सब्जी कट गई है, दाल भी बन गई है, दाल भी ऑलमोस्ट बन गई है, कोई नहीं सब्जी बना देता। तो आज आप लोग पति देव की रेसिपी देखेंगे, सब्जी की, हस्बैंड की, पति देव। आलू चप और आलू गोभी की सब्जी।
यहाँ पे गोभी फ्राई हो रही है सब्जी बनाने के लिए। तो देखिए आज आप लोगों को मेरे हस्बैंड की कुकिंग देखने को मिलेगी और यूँ समझ लीजिए कुकिंग क्लास वीकली कुकिंग क्लास हो रही है। सब्जी बनाई है जब मैं अकेला था उस समय बनाई होंगी लेकिन शादी के बाद नहीं बनाई। हाँ जब स्टार्टिंग में शादी के बाद जब मेरी कभी तबीयत खराब होती थी दाल चावल चोखा ये बनाए मैं खाई हूँ इनके हाथ का। उसको थप पकने दीजिए इसको ढक दीजिए तब तक हम लोग दूसरी कुछ तैयारी कर लेते हैं। उसको ढक लेते हैं इसे ढक देते हैं पकना भी है ना मुंबई में मेरा एक दोस्त था तो दो साल तक साथ में हम लोग रहते थे। बहुत अच्छा खाना बनाता था वो बट मैं कुछ सीख नहीं पाया। बस मेरा काम रहता था सब्जी कट करना आटा गूंथ देना सब्जी धो के बस रेडी कर देना बाकी सब कुछ मैं सब्जी बनाने से लेके रोटी बनाने से लेके हाँ चावल मैं बना लेता था चावल दाल मैं बनाता था बाकी दाल फ्राई ये सब वो करता था। कोई नहीं धीरे धीरे ये सब भी सीख जाएगा। तो अभी यहाँ पे पतिदेव की कुकिंग शुरू हो गई है और यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया गया है तड़का में जीरा डाल दिया गया है और ये सूखी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे बिल्कुल फनी वाली कुकिंग हो रही है और यहाँ पे आलू और गोभी जो फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल दिया गया तो वो मैंने डाला है और डाल के मैं एक हाथ से सब्जियों को मैं टर्न कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से पतिदेव अभी चले गए हैं मतलब गायब हो गए हैं दूसरी जगह चले गए हैं क्योंकि हस्बैंड लोग की कुकिंग ऐसे कॉन्स्टेंटली तो चले गए नहीं वो अपने मोबाइल पर कुछ करने चले गए थे और फिर यहाँ पर आ गए हैं तो सब्जी में मसाला वो डाल रहे हैं। सो चलिए देखिए पतिदेव की कुकिंग और कैसी लगी इनकी कुकिंग मतलब आप लोग को जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग। तो बहुत कहने के बाद मेरी वीडियो में आके ये कुकिंग कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम पहली बार आके ऐसे मेरे ब्लॉग में मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा बहुत अप्रिसिएट कर दीजिएगा आप लोग अपने कॉमेंट से और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे इस चैनल को मेरे ब्लॉग को। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ तो भी यहाँ पे आलू चप बनाने की तैयारी हो रही है तो मैंने आलू को मैश कर लिया उसमें मैं कटी हुई हरी धनिया हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ और ऊपर से भी मैं नमक डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई अदरक और बाकी सारे जो थोड़े बहुत मसाले हैं मैं वो डालूँगी जैसे कि हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर मैंने गलती से बोल दिया और थोड़ी सी गर्म मसाला और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर इसकी बनाएंगे हम लोग आलू की आलू चप मैं बार बार आलू चप की नाम भूल जाती हूँ। अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा मैं बार बार भूल जाती हूँ। और यहाँ पे आलू चप बनाने के लिए मैं बैटर तैयार कर ले रही हूँ बेसन की तो मैंने बेसन ले लिया उसमें नमक डाल दिया उसमें मैं थोड़ी थोड़ी सारे मसाले डाल दी हूँ जो बेसिक से हमारे मसाले होते हैं और फिर उसे हम लोग पानी से थोड़ा सा थिक एक बैटर तैयार कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे आलू की चप। तो इसमें मैं थोड़ा सा भी डाल दे रही हूँ ये चावल का आटा है जिससे वो क्रिस्पी बनेगा जो चप है। सो चलिए यहाँ पे बैटर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है तो बनाना शुरू करते हैं आलू चप। तो अभी यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और जो ऑयल है वो गर्म हो गई है तेल हमारी गर्म हो गई है और फिर मैं इसमें हम अपनी ये आलू की चप फ्राई कर लेंगे और उसके बाद रेडी हो जाएगी मेरी आलू चप। तो उसके बाद से हमारा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है दाल में तड़का लगाना तो वो पतिदेव का काम है। ये तो मैं बना दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता था कि उनसे हो नहीं पाएगा एक इतनी देर की कुकिंग में वो कितनी बार किचन से चले गए थे और कितना बार मुझे सब समेटना पड़ा था तो बहुत मुश्किल होता है। अभी मतलब फर्स्ट टाइम फिर भी उन्होंने अपनी एफिशिएंसी इतनी दिखाई उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थोड़ा बहुत आप लोग भी अप्रिसिएट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं वो दाल में तड़का लगाने के लिए।
खाना बन गया है और लास्ट में दाल फ्राई बना है। इधर भी देख लीजिए, हम देख राधा जी का लुक देने के लिए कब से जितना आके रखे मुझे। और यहाँ पे मैं जुगाड़ू राधा जी बना रही हूँ। मैं शिवांगी को बहुत जिद लगा के रखी थी, दो तीन दिन से मुझे जिद लगा के रखी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं किसी तरह मुझे इसका ये लुक क्रिएट करना था, क्योंकि पूरे दिन आज मुझसे ये जिद कराई थी कि मम्मा कब बनाएंगी। और यहाँ पर देखिए मैं इसकी मेकअप कर रही हूँ, और ये टेम्पररी राधा जी मैंने कैसे कैसे सेट किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था राधा जी को बनाने के लिए। मतलब मैं कुछ भी ऐसा नहीं रखी थी जिससे मैं इसको एक प्रॉपर लुक दे सकूँ राधा जी का। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि जब भी जन्माष्टमी आए तो दोनों को राधा जी कृष्ण जी मैं बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे इतनी सही है, इतनी खुश हो गई थी। और यहाँ देखिए श्रेयंस, चलो फ्रेंड्स, और अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो अभी मैं यहाँ पे अपना डिनर लेके आ गई हूँ। और शिवांगी सो गई है, श्रेयांस अभी अपने पापा से सो रहा है, और मैं अभी डिनर करने जा रही हूँ। सारे लोग ने डिनर कर लिया हुआ है। सो चलिए इसी के साथ आज इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग मेरे फर्स्ट व्यूअर बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय, गुड नाइट।